दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी कि मैंने उसमें बताया कि मिका सिंह को अरेस्ट कर लिया गया है एक 17 साल की ब्राज़ीलियन गर्ल को हरेस्ट करने के लिए सेक्सुअली। तो दुबई में अरेस्ट कर लिया गया है, अभी फिलहाल वो जेल में। तो दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि उनको भी अरेस्ट किया गया, तो उनके साथ वहाँ के लॉ के हिसाब से क्या हो सकता है। वहाँ के कानून को बहुत स्ट्रिक्ट माना जाता है कि वहाँ पर कुछ भी होता है तो सीधा काट ही देते। तो लेकिन अभी इस केस में थोड़ा सा कम है, नरमी है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो अभी मैंने जैसा पता किया कि इसमें क्या हो सकता है इनके साथ, आर्टिकल 359 के यूएई पिनल कोड के अकॉर्डिंग वहाँ पे अगर किसी भी महिला को अगर बाय वर्ड या डायरेक्टली किसी भी वर्क प्लेस पे या फिर स्ट्रीट पे या कहीं भी उसे हैरेस किया जाता है, तो उसको मैक्स टू मैक्स 1 साल तक की जेल या फिर 10,000 दिरहम या दोनों पे करने पड़ सकते हैं। तो उनके साथ इतना हो सकता है। अगर वो उस पोजीशन में चले जाते हैं और सब प्रूफ हो जाता है और प्रॉपर सजा हो जाती है, तो इतना उनके साथ होना तय है। तो इंडिया में होता तो शायद ये बातें कब का दब जाती, छुप जाती, क्योंकि आज तक बहुत कम ही होता है कि किसी सेलिब्रिटी को जेल हो जाए। भले राजपाल यादव के साथ अभी हुआ है, उनको 5 करोड़ के चक्कर में जेल जाना पड़ा, लेकिन वो भी 3 महीने की थी। लेकिन अभी इनका जो केस सामने आया, तो उसमें हो सकता है कि इनको सजा हो जाए, और अगर नहीं होगी तो फिर देखते हैं आगे क्या निकलता है। तो बाकी जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बाकी कुछ न्यूज़ होगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू।